तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? छह नई कपाशी का सेट था वो टूट गया, उसकी आवाज आ रही है। ये क्या जगह है क्या स्कूटर सीखने की? नहीं मैं सीख नहीं रहा था बहन जी, मुझे आता है चलाना। सुबह सुबह पीकी गाड़ी चला रहे थे? नहीं बोलता सब, क्या बोल रहे हैं आप, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। वो थोड़ा सा गलती से बैलेंस हिल गया मेरा। देखिए बहन जी, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना मैं आपको दे दूँ। वो भाई साहब, अभी आपकी गाड़ी से मैडम का पैर टूट जाता तो पैसे देके निकल जाते क्या? एक तो 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप 100 की स्पीड में, वो भी इस रोड पे? कौन सी रोड पे चलाते हो 100 की स्पीड में? अरे नहीं नहीं हवादार साहब, मैं 100 की स्पीड पे चलाता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, अरे मैं गिर जाती तो और मुझे लग जाता तो तुम्हारे पैसे से क्या मेरा दर्द गायब हो जाता? दर्द क्या होता ना, अभी बताता हूँ तेरे को। ए मारो उसको। ए क्या मारो 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 मारो। थैंक यू बेटा। अरे क्या मारो? देखो इसमें भीड़ की कोई गलती नहीं है, वो क्या है ना कि मैं अपनी छड़ी को ठीक से रखने की कोशिश कर रहा था तो मेरी छड़ी उसके पेट को लग गई तो उसे गुदगुदी हो गई, इसलिए भीड़े सकरम को बैलेंस नहीं कर पाया। सकरम कौन है? ये मेरे स्कूटर का नाम है। हाँ। अरे इसमें हंसने वाले क्या बात है, स्कूटर का नाम है तो है सकरम। अरे वो सब जाने दो, मेरे सामान का नुकसान हुआ उसका क्या? अरे शांत हो भाई, अरे शांति रखो। कहाँ ले ये बापूजी और भिड़े भाई अभी तक आए क्यों नहीं? फोन करता हूँ। बहन जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्या हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आगा का फोन है। नहीं वो हुआ ही ओके। एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो बागा। हाँ भिड़े भाई। अरे क्या हुआ यहाँ पे? फोन कर दो। हाँ फोन क्या, एक्सक्यूज मी क्या? हेलो हेलो, यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा मैटर हो रहा है और तुम्हें फोन पे बात करनी है? नहीं नहीं, ये आदमी ना बड़ा लापरवाह है। नहीं नहीं बहन जी मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं हूँ मैं। अरे ये बार बार क्यों फोन कर रहा है? फोन कर दिया, कट कर दिया। माले ये फोन बार बार कट क्यों कर रहे हैं? देखिए बहन जी, आपका जो भी नुकसान हुआ मैं पैसे दे दूंगा, आप चेक करके बता दीजिए कि एग्जैक्टली कितने कप टूटे, मैं उतने पैसे दे दूंगा। अरे कितने कप टूटे क्या, एक कप टूटा होगा तो भी पूरा सेट खराब हो गया ना। देखो देखो बेटा, इसमें भीड़ की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ होगा ना मैं दे दूंगा। छह नई जोड़ी थी कपाशी की, पूरे 500 रुपए की। 500? मैं दे देता, मैं दे देता। दे दे, पैसे दे रहा, देखा। ये मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही है, जरा 300 रुपए देना। अच्छा जी आप रहने दीजिए, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ पैसे। हाँ हाँ ये लीजिए 500, मैं घर पे जाकर तुझे दे दूँ। हाँ ठीक है ठीक, सॉरी हाँ सॉरी। हाँ ठीक है, तुम ना पहले स्कूटर अच्छे से चलाना सीख लो, चाचा जी की माफी की वजह से बच गए हो। हाँ ठीक, चलो आप लोग सब निकलो, चलो अपने काम धंधे पे जाओ, चलो चलो निकलो। हस बच गया भाई साहब, इस बार तो बच गए। अगर वो औरत तुम पर केस करती कितनी महागत पड़ लगता? स्कूटर कार या कोई भी व्हीकल चलाना जिम्मेदारी का काम होता है, पढ़ लो। नहीं नहीं बराबर है, आपकी बात एकदम सही है, इसमें भीड़ की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। सॉरी सॉरी हवलदार सर, सॉरी। अंदर से ख्याल रखना। अरे मैं हमेशा ख्याल ही रखता हूँ, मैं आगे से भी ख्याल रखूंगा। हाँ ठीक है, मैंने बोला था चाचा जी, ये जेठा का कोई भी काम करने जाओ ना तो गड़बड़ तो होती ही है, हो गई ना गड़बड़। वो तो अच्छा हुआ वो बहन जी पुलिस स्टेशन नहीं गई, नहीं तो। अरे भाई बोलना भाई, जो हो गया सो हो गया, ऐसा हो जाता ना वैसा हो जाता। चल अभी चल जल्दी सरदार चौक चल। ये भिड़े भाई बताए तो सही कितना टाइम लगेगा। ये बागा का फिर से फोन आ रहा है। हाँ बागा। हाँ भिड़े भाई, आप मेरा फोन बार बार कट क्यों कर रहे थे?
और आप लोग कहाँ पहुँचे? अगर आप सखाराम चला रहे हो तो साइड में पार्क करके मुझे खाली बता दीजिए कहाँ पहुँचे। अरे क्या हुआ बागा, हम लोग आ रहे थे ना तो चाचा जी की छड़ी मुझे बार बार लग रही थी। हम लोग अभी पहुँचे हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं बापू जी, थोड़ा जल्दी आइए प्लीज, क्योंकि क्या है 11 बजे गोयल साहब गोडाउन में मीटिंग करने के लिए पहुँच जाएंगे। आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम कैसे लग गया? अरे क्या हुआ? अरे भाई शांति रखना भाई। अरे वहाँ आके सब बता दो ना, अभी फोन रखना भाई। तो फोन रखेगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे ना, बस 5-10 मिनट में पहुँच ही रहे हैं। फोन रख। हाँ ठीक है आइए बापूजी आइए। चल भाई चल, जल्दी चल। एक बाजू बाघा बेचैन हो रहा है, दूसरी बाजू जेठिया बेचैन हो रहा होगा। चल जल्दी सरदार चौक जल्दी। नहीं आए। हेलो बाघा? बाघा ही बोल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं आए हैं। तो क्या नहीं आए, कौन नहीं आए? सेठ जी, आपने यही जानने के लिए फोन किया है ना कि भिड़े भाई और बापूजी अब तक आए के नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भिड़े भाई और बापूजी अभी तक नहीं आए हैं। क्या अभी तक नहीं आए? आप यही बोलेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि भिड़े भाई ने मुझे फोन पे बताया कि वो लोग कहीं अटक गए थे। क्या कहाँ अटक गए थे? आप यही बोलेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या है भिड़े भाई ने मुझे नहीं बताया कि वो लोग कहाँ अटक गए थे। लेकिन मुझे पता है कि आपको जानने की तालावेली है कि वो लोग कहाँ अटक गए थे। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी भिड़े भाई को फोन करके पूछता हूँ कि वो लोग कहाँ अटक गए थे और आपको तुरंत फोन करता हूँ। बोलिए सेठ जी। पता तूने बोलिए सेठ जी बोला है तो अभी मुझे बोलने देना। तू एक भी शब्द मत बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनना, ओके? हेलो हेलो, फोन कट हो गया क्या? फोन तो चालू है। अरे बागा सुन रहा है तू? तो मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि क्या? बागा का मैसेज, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अरे मेरी आवाज आ रही है तो हाँ ना कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैसेज क्या कर रहा है तू? आप ही ने तो कहा मैं जो बोलूं वो चुपचाप सुनना, बीच में कुछ मत बोलना, इसलिए मैं चुपचाप आपको सुन रहा था। अच्छा ठीक है, तभी सुन। देख भिड़े ने बोला है ना कि वो लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वो लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि भिड़े का काम क्या एकदम चौकस है, ठीक है? तो उनको फोन करके तो डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ठीक है, जैसी जिसकी सोच है? नहीं 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 करता हूँ, नहीं करता हूँ। और सुन, जैसे तो गोडाउन की चाबी लेकर वहाँ से निकले, मुझे जरा फोन करके बता देना कि मैं चाबी लेकर निकला हूँ। ठीक है सेठ जी। हाँ ले लीजिए सेठ जी चाय। नहीं मैंने चाय नहीं बोली है। ओ भाई मगर ने बोली। हाँ मेरे लिए? हाँ। ए ओ रुक 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 भाई, लाया है तो दे देना। तो लीजिए ना। अरे ये बागा का अभी तक फोन नहीं आया, बापूजी और भिड़े पहुंचे कि नहीं? नहीं आए। क्या? बापूजी और भिड़े भाई अभी तक नहीं आए। बापूजी और भिड़े अभी तक नहीं आए? मैंने वही तो बोला कि नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं। सॉरी सेठ जी, फोन कट हो गया। अरे
फोन क्यों काट दिया इसने? हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त बेचारा मुझे ही कर रहे होंगे, अभी बिजी आ रहा है लगता है, मुझे ही फोन कर रहा होगा। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, फोन क्यों काट दिया तूने? पता नहीं, मैंने नहीं काटा, शायद अपने आप कट हो गया होगा। अच्छा ये बापूजी और भीड़ अभी तक नहीं है? नहीं ना। अरे बाप रे, कहाँ रह गए ये लोग? सेठ जी मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। मैं काम करता हूँ, रहना दे, मैं फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। अच्छा जी हाँ? मेरा फोन बज रहा है, देखना जेठा या बाका का फोन होगा। हाँ? ये इस तरफ इस तरफ। हेलो जेठा। अरे बापू जी कहाँ हो आप लोग, अभी तक सरदार चौक पहुँचे क्यों नहीं? अरे हम लोग सरदार चौक के पास में ही है, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। बापू जी पक्का 5 मिनट में पहुँच जाएंगे ना? क्योंकि क्या हो गोयल साहब, एकदम टाइम के पक्के है, वो 11 बजते गोडाउन पहुँच जाएंगे। और 11 बजने में अभी ज्यादा वक्त बचा नहीं है बापू जी। अरे नहीं नहीं, बस 5 मिनट में पहुँच ही जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। ठीक है बापू जी। चलो आश, अभी कोई टेंशन नहीं है, 5 मिनट में बापूजी सरदार चौक पहुंच जाएंगे और 11 बजने से पहले गोडाउन की चाबी मेरे हाथ में होगी। किसी का फोन आ रहा है, ले बात कर। अरे मैं कैसे बात करूं चाचा जी, मैं तो सकाराम चला रहा हूं ना, आप बात कीजिए। अरे मैं क्या बात करूंगा, मुझे थोड़ी पता है सामने कौन है कौन नहीं, मैं क्या बात करूंगा, तू ही बात कर। अरे पापा मैं कैसे बात करूं, मैं तो चाचा जी। अरे मैं कैसे बात, अरे अरे क्या करे काका। ओ महाशय क्या फिर से कानून तोड़ रहे हो? एक बार माफ कर दिया तो बेफिक्र होकर कानून तोड़ने लगे, स्कूटर चलाते हुए मोबाइल में बातचीत, फिर से किसी को ठोकना है क्या? नहीं नहीं, मैं मोबाइल में बात नहीं कर रहा हूँ हवलदार साहब, मुझे तो पता भी नहीं किसका फोन है, वो तो चाचा जी ने मेरे कान पे फोन रख दिया। आप हेलो हेलो, मैं बातें फोन करता हूँ। एक तो कानून तोड़ दो, ऊपर से बच्चों की तरह बहाने बना दो, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पे बात करना गुनाह है, इतना पता नहीं तुम्हें? अरे नहीं नहीं हवलदार बेटा, इस बार भी भीड़ की गलती नहीं है, वो क्या है ना, उसका फोन मेरे पास था और किसी का फोन आ रहा था तो मैंने ही जबरदस्ती उसके कान पे फोन रख दिया। अरे चाचा जी, जाने में हो या अनजाने में हो, इन्होंने कानून तो तोड़ा है, गलती तो की है, और आज तो दो बार गलती की इन्होंने। हाँ वो दोनों बार गलती मेरी वजह से ही हुई है। हाँ सॉरी। हाँ बार बार गलती हो तो कानून सॉरी से नहीं, सख्ती से चलता है, धन से चलता है, सजा से चलता है। चलो अपने पेपर और लाइसेंस दो, सबसे पहले मेरा मोबाइल दो। चलो देखिए हवलदार साहब, आप मेरा मोबाइल ऐसे जब्त नहीं कर सकते। मैं मोबाइल जब्त नहीं कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ। हेलो, तुम्हें पता है ना इस मोबाइल की वजह से कितने हादसे होते, कितने एक्सीडेंट होते, कितने लोगों की जान को खतरा होता है, और तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी चलाते हो मोबाइल पे बात करते हो, तो खुद की जिंदगी के साथ दूसरे की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हो ना। चलो पेपर दो, लाइसेंस दो। हवलदार साहब हमें प्लीज जाने दीजिए, देखिए हमें अर्जेंटली ना वो सरदार चौक पे पहुंचना है। हाँ हवलदार बेटा देखो क्या है, आज 11 बजे मेरे बेटे की गोडाउन में मीटिंग है, गोडाउन की चाबी मेरे पास है, हमारे दुकान में एक लड़का काम करता है बाघा, वो सरदार चौक पे खड़ा है चाबी की राह देखते, मैं उसे सरदार चौक पे चाबी दूंगा, फिर वो गोडाउन जाके गोडाउन खोलेगा और तब जाके मेरे बेटे की मीटिंग हो पाएगी। अगर आज मेरे बेटे की मीटिंग नहीं हुई ना तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और चाबी भी गोडाउन में वक्त में पहुंचनी चाहिए। जाओ जाओ। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो एक मिनट। आपको जाने के लिए कहा? नहीं ना, चाचा जी को जाने के लिए। चाचा जी आप जाइए, सरदार चौक को पास में ही। लेकिन भीड़ के बगैर मैं सरदार चौक पहुंचूंगा कैसे? चाचा जी सरदार चौक तो पास में ही है, अब चलते चलते पहुंच जाओगे और रिक्शे से तो उससे और जल्दी पहुंच जाओगे। जाइए जाइए, चाबी जिसको देनी उसको दे दीजिए। अरे चाचा जी अभी जरूरी क्या है, आप दोनों का साथ में जाना या चाबी पहुंचाना? चाबी पहुंचाना। तो आप चाबी लेकर जाइए,
शिक्षक महोदय को यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ चाचा जी आप जाइए, मेरा दिन तो बिगड़ ही गया है, जेठा की मीटिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, आप जाइए। और यहाँ भीड़ है, चाबी पहुँचाना जरूरी नहीं होता ना तो मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाता। पेपर है ना तेरे पास? अकारम के पेपर है ना? हाँ हाँ है है। हाँ मैं चलता हूँ, वो बागा इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। मैं चलता हूँ। चलो माशे पेपर और लाइसेंस दो। वो है कि नहीं आपके पास? नहीं है ना, मेरे पास फिजिकल कॉपी भी है और डिजिटल कॉपी भी है, आपको कौन सी चाहिए? नहीं कोई भी दिखाओ चलेगा। ठीक है फिर मैं डिजिटल कॉपी दिखाता हूँ आपको, लेकिन मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल अंदर, फिजिकल कॉपी दिखाओ। चलो हाँ। बापूजी और भिड़े भाई अभी तक नहीं आए, इतनी देर में तो साइकिल पे निकले होते तो भी पहुंच जाते, पर ये लोग स्कूटर पर है फिर भी नहीं आए, कहाँ रह गए? भी फोन करता हूँ भिड़े भाई को। भिड़े भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बाप रे, बापूजी और भिड़े भाई को कहाँ ढूंढूं? वहां पर भी गुप्ता लस्सी सेंटर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बापूजी और भिड़े भाई वहां मेरा इंतजार कर रहे हो? गुप्ता लस्सी वाला तो ये रहा, भागा कहाँ है? वो लस्सी वाले के पास भी नहीं है। बापूजी अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, ना भिड़े भाई दिख रहे हैं, ना बापूजी दिख रहे हैं, ना सखाराम दिख रहा है। भागा कहीं गोडाउन तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, चाबी लिए बिना जाए ऐसा तो नहीं है। ये भागा कहाँ खड़ा है? बापूजी कहाँ हैं आप? ओ, ये भिड़े भाई और बापूजी यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं उनको? ये बाघा कहाँ खड़ा है? कमाल फंस गए, अभी 11 बजे सेठ जी की गोयल साहब के साथ मीटिंग है, चाबी लेके गोडाउन कैसे पहुंचूं? भिड़े भाई को फोन कर रहा हूँ तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बापूजी भिड़े भाई कहाँ हो आप लोग? सेठ जी को फोन करके ये ब्रेकिंग न्यूज तो देनी ही पड़ेगी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का गोडाउन यही ना? हाँ यही है। गोडाउन अभी तक खुला नहीं? नहीं, कुछ लेना था? नहीं नहीं देना है, मिस्टर बागा ने ये बुकें बुक किया और बोला था कि 10:30 से पहले डिलीवर कर देना। अच्छा बागा ने बुक किया था? आप मिस्टर बागा को जानते हैं? जानते हैं क्या बागा? मेरा मेरा इधर काम करता है, मेरा आदमी है वो, मैं उसका सेठ हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मिस्टर बागा को ये दे देंगे? अरे दे देंगे क्या, मैंने उसका बोल के मंगाया है भाई। ओके ओके ये लीजिए। ओके ओके बाय गुड डे। ओके दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में लगभग समान चेहरे के एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं, कईयों के नाम भी समान होते हैं और कईयों के तो नेम सरनेम दोनों ही समान होते हैं, लेकिन अगर मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी किस्मत हो तो एक ही एरिया में गुप्ता लस्सी नाम की भी दो दुकान निकल आती है। अब ये जो गोडाउन की चाबी नाम की चौपड़ है, इसकी जो बिसात है इस तरह से बिछी हुई है कि बंद गोडाउन के बाहर जेठालाल इंतजार कर रहा है कि चाबी आ जाए भाई, और इधर बाघा गुप्ता लस्सी नाम की एक दुकान पे चाचा जी का इंतजार कर रहा है, दूसरी गुप्ता लस्सी पे चाचा जी बाघा को ढूंढ रहे हैं। यानी कुल मिला के इस चौपड़ पे जो बिसात बिछी हुई है इसमें कोई किसी को नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या एक जब गोयल साहब आएंगे तो क्या मीटिंग गोडाउन के बाहर, मतलब बंद गोडाउन के बाहर होगी जेठालाल और गोयल साहब की मीटिंग, या फिर इस चौपड़ की बिसात पे कोई ऐसा पासा पड़ेगा कि जेठालाल को ये चाबी मिल जाएगी।
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है और आगे भी बड़ा मजा आएगा। देखते हैं कि इस बिसात पे कितने पासे गिरते हैं, लेकिन आपके घरों में गिरेंगे ठाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।